ज्ञान मोती ग्रुप की एक नई प्रस्तुति। आज बाबा ने यह स्पष्ट किया है कि गायन योग्य कौन बनेंगे और पूजन योग्य कौन। बाबा ने कहा, कई देवियां ऐसी हैं जिनका गायन तो बहुत है लेकिन पूजन कम है, और किसी का गायन व पूजन दोनों ही अधिक होते। इसका अर्थ ये है, जिन बच्चों की अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है उनका पूजन भी एक रस नहीं होगा, परंतु सदा एक रस रहने वाले तीव्र पुरुषार्थियों का पूजन सदा होगा और एक रस होगा। बाबा ने कहा, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी की मुख्य निशानी ये है कि वह कब नहीं अब कहेगा, अर्थात जो करना है अब ही करना है। पुरुषार्थ में जो बच्चे कब कहते हैं उनकी पूजा भी कम होगी। बाबा ने कहा, भविष्य में सर्वगुण संपन्न पूज्य देवी देवता वही बनेंगे जो अभी सर्वशक्ति संपन्न बनेंगे। मुख्य रूप से ये चार शक्तियां हर एक के अंदर समान रूप में होनी चाहिए। एक है स्नेह की शक्ति, दूसरी संबंध की शक्ति, तीसरी सहयोग की शक्ति और चौथी सहन शक्ति। बाबा ने कहा, अगर ये शक्तियां नहीं होंगी तो तुम माया पर विजय नहीं पा सकते, और माया से हार खाने वाले को न पद अच्छा मिलेगा और ना ही पूजा विधि पूर्वक होगी। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।